लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर है खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड से, जहां प्रखंड अंतर्गत कैंजरी पंचायत के रहीमपुरवा गवास निवासी स्वर्गीय सुखदेव सिंह के 52 वर्षीय पुत्र राम बालक सिंह ने बेलदौर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, इसमें बताया गया है कि खेत में ट्रैक्टर से खेत की जुताई करवा रहे थे, उसी वक्त तीन व्यक्ति चंद्रहास सिंह पिता शंकर सिंह, प्रदुमन कुमार पिता चंद्रहास सिंह और तीन अज्ञात व्यक्ति आए और 1,00,000 रुपए रंगदारी राम बालक सिंह से मांगने लगे। रंगदारी का रुपया नहीं देने पर उक्त नामित व्यक्ति चंद्रहास सिंह प्रदुमन सिंह ने अवैध हथियार से लैस होकर उक्त व्यक्ति के साथ मारपीट करी है, ऐसा आरोप लगाया गया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुमलेश कुमार के साथ। मैं भारत खगड़िया। आज हमारी मौजूदगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर में है, जहाँ की राम बालक सिंह को मारपीट किया गया है। बताया जा रहा है कि रंगदारी कोई आदमी मांग किया है, जिन्होंने इनके साथ मारपीट किया है। आइए हम यही बात करते हैं कि कौन आदमी है जिन्होंने रंगदारी मांगा और क्यों मांग किया है। क्या नाम हुआ आपका? राम बालक सिंह। अच्छा, किसके साथ आपको मारपीट हुआ है? चंद्रहास। किस बात के लिए? रंगदारी मांग। किस चीज का? रंगदारी का। खेत जोतेगा तो रंगदारी मिला। अच्छा, ये घटना आपके साथ कितने बार हो चुका है? 2-3 बार पहले भी हो चुका है। 24,000 है 2021 को भी हुआ है। सारा पेपर पर दस्तखत। अब की बार कब मार्केट हुआ? 26 तारीख से। अभी 75 पर बारह मिले। अच्छा, कहाँ हुआ आपका? वार्ड नंबर क्या है? अच्छा, 3 दिन हो गया, अभी तक थाना में आवेदन नहीं किया? दिया है। अच्छा, केस हुआ? हुआ या नहीं हुआ हमको पता नहीं था। हॉस्पिटल में इलाजे करा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा का बताया जा रहा है कि 3 दिन हो गया है। इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर में इलाज करवाए, फिर यहाँ से रेफर सदर अस्पताल के लिए कर दिया गया और आज इन्होंने आवेदन दिया बेलदौर थाना में। बताया जा रहा है कि अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। बेलदौर थाना अध्यक्ष जाने मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया, जबकि आप देख सकते हैं इसके शरीर पर कितना निशान है। यहाँ भी पूरा फ्रैक्चर है, हाथ फ्रैक्चर है। आप देख सकते हैं हाथ फूटने से बच गया है। आपको मैं बता दूँ कि इस राज में न्याय मिलना चाहिए इनको, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। आइए फिर हम इनसे जुड़ते हैं। अच्छा, अभी तक आपको क्या न्याय मिला है? अभी तक तो कुछ हॉस्पिटल में न्याय क्या मिलेगा, कोई आएगा तब तो न्याय होगा। अब आपको फिर उनसे डर भी लग रहा है कुछ करेगा आगे? अगर प्रशासन नहीं कुछ करेगा तो मार देगा, धमकी देगा, सपरिवार हत्या कर देगा। देखिए पता है थाना पुलिस जाएगा तो सपरिवार हत्या कर देगा। बताया जा रहा है कि अगर आप केस करिएगा तब भी आपको मार दिया जाएगा। बेचारा डरे सहमे हुए हैं, अभी तक किसी को कुछ बोले नहीं। हालांकि थाना में आवेदन दे दिए हैं। बताया जा रहा है पुलिस क्या कहते हैं दोषी व्यक्ति के घर पर से इनको उठा करके लाया है, जहाँ मारपीट करके बांधे हुए थे। अब देखना है क्या थाना अध्यक्ष कुछ कार्रवाई करते हैं, फिर मामले को टर्मिनेट करते हैं।